हेलो, माई सेल्फ सुनीता कंवाल फ्रॉम मुंबई महाराष्ट्र। आज मैं आपको अपने आर्ट जर्नी के बारे में बताना चाहती हूँ। बचपन से ही मुझे कैनवास पेंटिंग करने का बहुत शौक रहा है, बट कभी भी करने का और सीखने का मौका नहीं मिला। बड़े हुए, शादी हुई, बच्चे हुए, बच्चों को कैनवास पेंटिंग करते हुए देखकर जो मेरा हुनर था वो फिर से जागृत हुआ और उन्हीं का कैनवास कलर्स और ब्रशेज उठाकर मैंने अपनी फीलिंग्स को कैनवास पर उतार दिया। आज मिस्टर रिस्पेक्टेड सर अनंत विकास जैन जी के अंडर हम मुंबई के ताजमहल पैलेस में अपना फर्स्ट आर्ट एग्जीबिशन कर रहे हैं और ये मेरी पेंटिंग है लॉर्ड कृष्णा की, हाइट्स ऑफ लव। इसमें श्री कृष्ण और राधा जी के अनकंडीशनल प्यार के बारे में बताया गया है। एक चांदनी रात में वो एक दूसरे ही संसार में खोए हुए हैं, उनके प्यार को कौन नहीं जानता। लव इज एवरीवेयर, प्यार सब जगह है, पेड़ पौधों में, जानवर में और ह्यूमन बीइंग्स में, सभी जगह प्यार है। सभी को प्यार की ज़रूरत है। प्यार और केयर से हम सभी को अपना बना सकते हैं और सभी उसकी भाषा समझते हैं। इस पेंटिंग में यही दर्शाया गया है। मदर्स केयर एक बहुत ही प्यारी पेंटिंग है और पर्सनली मुझसे बहुत ज़्यादा अटैच है, बहुत ज़्यादा टच में है ये। इस पेंटिंग को बनाने में मुझे काफ़ी वक्त लगा। एक माँ किस तरह से अपने बच्चे का केयर लेती है और किस तरह से उसका ख्याल रखती है, माँ की बराबरी कोई नहीं कर सकता और माँ से हम कभी भी किसी को कंपेयर नहीं कर सकते। ग्रोइंग विद एल्डर्स, इसमें एक डॉल्फिन अपने बच्चे को गोता लगाना सिखा रही है। इस पेंटिंग में यही शो किया गया, यही दर्शाता है कि हम अपने बड़ों की छत्र छाया में रहकर जितने ज़्यादा अचीव और गोल कर सकते हैं वो और कहीं नहीं। अकेले हम इतना ग्रो नहीं कर सकते जितना हम बड़ों के शेल्टर में रह के, उनकी देख रेख में रहकर हम और जीवन में आगे बढ़ सकते हैं और बड़ी से बड़ी अचीवमेंट पा सकते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू।